विश्वकर्मा। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आज हमारे साथ छोटे उस्ताद ऋत्विक वर्मा हैं। इनसे लॉकडाउन के असर के बाद जो महाभारत का ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है, उस ज्ञान के बारे में आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो ऋत्विक, सबसे पहले ये बताओ कि महाभारत में क्या देखा, मतलब क्या क्या हुआ महाभारत में? महाभारत में अर्जुन का लड़का अभिमन्यु मर गया था। किसने मारा था? दुर्योधन के भाइयों ने मार दिया था। हाँ, तो भी उसके पापा ही आगे दिए थे अर्जुन। और इसके बाद अर्जुन के कितने भाई थे? अर्जुन के पांचों भाई थे। पांच भाई, क्या क्या नाम था उनका? सहदेव, नकुल, भीम, युधिष्ठिर। हाँ, तो क्या हुआ? और एक अर्जुन भी थे। हाँ, तो पांच हो गए ना। और इनके जो है तो पिताजी कौन थे, पापा कौन थे? किनके? इन पांचों भाइयों के जो पांडव थे। हाँ, तो उनके पापा का नाम क्या था? उनके पापा का नहीं पता है। हाँ, मम्मी का? मम्मी का कुंती। कुंती नाम था। हाँ। और कर्ण कौन थे? कर्ण था कुंती का ही लड़का था। कुंती का ही लड़का था। हाँ। लेकिन वो तो कौरवों के साथ रहते थे ना। हाँ हाँ, तो भी दुर्योधन से कंधा बना दिया था इसीलिए। और महाभारत में सबसे अच्छा कौन लगता है? सबसे ज्यादा अच्छा अर्जुन। हाँ, सबसे गंदे? सबसे गंदा दुर्योधन से अपनी मामा दुशासन लोग। तो दुशासन लोग गंदे क्यों लगते हैं? दुशासन लोग बहुत गंदे हैं, मारते हैं सबका, वो करते हैं। हाँ, जानते हैं काहे इनकी दुश्मनी हो गई? हाँ। सिंहासन जो है ना। हाँ। उस दिन में झगड़ा हो गया, लड़ मर गए हैं। हाँ। तो इसीलिए। किसका सिंहासन था, किसका झगड़ा हो गया था? नहीं, सिंहासन मिला था तो फिर वो दोनों वो हो गए थे, क्या कहते हैं, वो लड़ मर गए थे कि मेरा सिंहासन मेरा इस तरह। कौरव और पांडव दोनों लोग लड़ मर गए थे, है ना? कौरव नहीं, दुर्योधन। हाँ। और वो भीम, दोनों दोनों लड़े थे। तो फिर कौन मारा? दुर्योधन की सेना ही मर गई। हाँ। और कृष्ण किसके साथ थे? कृष्ण? हाँ। हो तो देखिए, मैं हूँ। अच्छा, वो तुम हो? मैं हूँ, काना बनाऊ। नहीं, महाभारत वाले जो है तो कृष्ण किसके साथ? अर्जुन लोग के साथ। अर्जुन लोग के साथ क्या करते थे? वही ऐसे अर्जुन की रथ चलाते हैं। हाँ, ड्राइवर है। धनुष वार तुम भी चलाते हो ना? हाँ, मैं भी चलाता हूँ। कहाँ से सीखे हो? इसी से, महाभारत से। हाँ। टीवी में और क्या क्या देख डाले? टीवी में बहुत सारी देखा हूँ। महाभारत स्टार भारत में भी आता है 7 बजे और 5:30 बजे स्टार, उसमें स्टार प्लस में। और किसमें किसमें आता है? और उसमें आता है, और किसी में नहीं, बस ऐसे पुराने जमाने में आता है। तो महाभारत देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए, पर पुराने जमाने का मैं पसंद नहीं करा हूँ। तो नए जमाने वाला देखते हो तुम? हाँ, नए जमाने वाला। और महाभारत में और क्या अच्छा लगता है? महाभारत में सबसे ज्यादा मेरे को महाभारत ही अच्छा लगता है। युद्ध? हाँ। धनुष कैसे बनाते हो तुम? देखिए, एक कटहल का पेड़ ले लो। हाँ। ठीक, उसे ऐसे थोड़ी काट दो पेड़ को। फिर उसके बाद एक डोरा ले लो, उसमें ऐसे बांध दो। फिर ऐसे तीरें ले लो, फिर ऐसे चला दो। तो चलाने के बाद क्या होते, कहाँ जाती है तीर? चलाने के बाद जाती है सब, वो जाती है, अगर कोई परेशान करेगा तो खिंच 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 हो जाएगी, फिर क्या होगा? मृत्यु। मृत्यु? और उसमें किसकी किसकी मृत्यु हो गई थी महाभारत में? महाभारत में सिर्फ दुर्योधन की सेना ही मर गई थी, और किसी की मृत्यु नहीं हुई। जीता कौन था? जीत गया था भीम की सेना। हाँ। भीम क्या लेके चलता था? धनुष? गदा। गदा। और अर्जुन? अर्जुन धनुष। सबसे अच्छा धनुष कौन चलाता था? अर्जुन। अर्जुन? अभिमन्यु। अभिमन्यु? हाँ। अभिमन्यु किसका बेटा था? अर्जुन का। अर्जुन का? हाँ। और अभिमन्यु की मम्मी का क्या नाम था? सुभद्रा। सुभद्रा नाम था। हाँ। और इसके बाद जो है तो। हाँ। और क्या बताओगे महाभारत में?
महाभारत में जो था ना अभिमन्यु, उसी की मृत्यु और राक्षस घटोत्कच की हो गई थी। वो भीम कलर का था, राक्षस घटोत्कच। और भीम की जो तो पत्नी कौन थी? वो थी द्रौपदी। अरे तुम, द्रौपदी तो अर्जुन की पत्नी थी ना? नहीं, वो नहीं थी। अर्जुन की वो थी सुभद्रा। कि सुभद्रा कृष्ण जी की पत्नी थी? नहीं, उनकी बहन है। किनकी? कृष्ण की? हाँ। अच्छा, बहुत ज्यादा ज्ञान है तुमको, है ना? शकुनी कैसा आदमी है ये? शकुनी कैसा आदमी है ये? जब कांड मार देता है ना, तब दुर्योधन जब मित्र कांड चिल्लाता है और जब वो खेलता है क्या शकुनी लोग क्या खेलते थे? शकुनी लोग ऐसे ही तलवार लिया रहता था। नहीं, वो कुछ खेलते थे जमीन में बिछा करके ना। हाँ, शतरंज। शतरंज खेलते थे? हाँ, खूब खेलता है। हाँ, आज 5:30 बजे देखेंगे ना। हाँ, शतरंज खेलता है कि पासा खेलता है? पासा नहीं, लूडो। लूडो, लूडो है खेलता है। हाँ। किस तरीके से लूडो रहता है, क्या करता है? पुराने जमाने में इस तरह रहता था, ऐसे चौकट्टी चौकट्टी गोटी ऐसे ऐसे करके। हाँ। और ऐसा गोल गोल ऐसे कुट 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 ऐसे खेलते थे। तो कौन कौन खेलता था उसमें शतरंज या लूडो? उसमें लूडो खेलता था मामा श्री शकुनी और वो कृष्ण भगवान। हाँ। पांडव? पांडव वो तो कब का मर गया था, पुराने जमाने में ही। हाँ। अभी कौन कौन जिंदा है? अभी बहुत सारे लोग जिंदा हैं। जैसे सहदेव, अर्जुन और वो उसकी है नकुल, युधिष्ठिर। अभी जिंदा है? हाँ, ये सब अभी जिंदा है। टीवी में? हाँ। और उसमें उसमें वो है, किसका है? क्या किसका है? मेरा मोबाइल बज रहा है। हो गया मोबाइल तो फिर मान लो दीदी लोग उठा लेंगी, बात कर लेंगे। हाँ, महाभारत में ये बताओ थोड़ा। हाँ। कैसा आदमी था? दांत उसके का खराब हो गए। हाँ, दांत इसके क्यों खराब हो गए थे? गुड़ खाता था। कौन कौन बताए? शकुनी। तो गुड़ खाने से क्या हो गया शकुनी के दांत को? दांत सड़ गए। दांत तुम्हारे भी तो टूटे हुए हैं। हाँ। तुम भी गुड़ खाते थे? नहीं, टूटे नहीं है। हाँ। मेरा ये मोम पट्टी खा लिया था तो दांत धोने लगा तो हिलने लगा, ये इसके आर हिलने लगा तो टूट गया। अच्छा। कल रिंसु रोटी खवा दी थी। हाँ। तो ऐसे ये ऐसे दांत ऐसे ऐसे हो गया था। रिंसु मत बोला करो, रिंसु दीदी बोला करो। हाँ, बोला करेंगे। ठीक है ना? हाँ। और महाभारत के बारे में और कुछ बताओगे? नहीं खाता था। तुमसे ये बताया किसने कि गुड़ खाने से शकुनी के दांत खराब हो गए थे? मम्मी ने। मम्मी ने बताया कि गुड़ खाता था इसलिए। हाँ। और मेरे घर में 6 लोग रहे। 6 लोग रहे? हाँ। हाँ, तो फिर एक रिया दीदी, दो वो क्या कहते हैं, दो रिंसु दीदी। हाँ, 3 बिब्बी दीदी। हाँ, 3 और 4 मम्मी और 5 पापा और 6 मैं। हाँ। चलो, तुम बहुत अच्छा जानकारी दी महाभारत से लेकर। हाँ। बस कौन कौन सी चलती है? ट्रैवलर चलती है, पांडे चलती है, नील चलती है। लॉकडाउन कब खुलेगा? लॉकडाउन खुलेगा तो फिर इंटरसिटी चला देगा। हाँ। बंद रहती है तो नहीं, जो बड़ा लॉकडाउन लगता है ना तब सटल चलती है, अब छोटा तो छोटी गाड़ी चलाता है। इंटरसिटी बड़ी है? नहीं, इंटरसिटी छोटी है। हाँ। तो छोटा लॉकडाउन लगता है तो वो चलाता है, और अगर बड़ा लगता है तो वो वाली चलाता है। अच्छा। स्कूल जाओगे? नहीं, अभी नहीं जाएंगे। जब मान लो लॉकडाउन खुल गया तब जाओगे? हाँ, अभी वैन आएगी तभी ना जाएंगे। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई कर तो पढ़ते हो? हाँ। हिंदी की राइटिंग कैसी है? काका गागा की बहुत गंदी गंदी। और ABCD की? बहुत अच्छी, 1-2 की भी। और सुधार कब करोगे? सुधार मतलब? मतलब अच्छी कब करोगे? अच्छी 11 साल में ही होगी ना ये तो। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 7 साल का हूँ। तो कौन बोलो कि 11 साल में अच्छी हो जाएगी? 11 साल में मेरी एक बहन है। हाँ। तो वही 11 साल की है। हाँ। हाँ। तो राइटिंग अच्छी आती है? हाँ, उसकी ये राइटिंग बहुत अच्छी आती है, महाश्री में पढ़ती है। तो पहले जो है तो नहीं आती थी?
सात साल में नहीं आती होगी, 11 साल में आने लगी है ना। हाँ। चलो तुमको बहुत सारा नॉलेज है। हाँ। तुमसे किसी अन्य विषय की फिर चर्चा करेंगे किसी दिन, है ना। हाँ। दूसरे विषय में। हाँ, मैं समझा कि आप टीवी में कैसे आते हैं। हाँ। ये कैमरा लेके खड़े रहते हैं तो बनता है। हाँ। तो अब नमस्कार कर दो जो तुमको देखेंगे सबको। नमस्ते बोल दो। नमस्कार। मेरे चैनल को देखिए। मेरे चैनल को देखिए रहेगा। फिर से मैं आऊँगा, फिर से ज्ञान दूंगा। फिर से मैं आऊँगा, फिर से मैं ज्ञान दूंगा। तो ये थे ऋत्विक हमारे साथ, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान महाभारत देख देख करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है महाभारत का। और आप लोगों से इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इनको पसंद करिए, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते कर लो।